जिले के चौरी चौरा के चौरी गांव के रहने वाले कन्हैया निषाद के सबसे छोटे पुत्र आकाश ने यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षा में 93.8% अंक प्राप्त करके सीएम डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। पानीपुरी चाट बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले कन्हैया निषाद और उनकी पत्नी सहित उनका पूरा चौरी गांव सहित पूरा चौरी चौरा क्षेत्र आकाश की सफलता पर प्रफुल्लित है और उसे और पढ़ने तथा उसके द्वारा नई ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है। गंगा प्रसाद स्मारक इंटर कॉलेज चौरी चौरा के हाई स्कूल टॉपर आकाश निषाद ने बताया कि 93.8% अंक प्राप्त किया है। इसकी सफलता मेरे माता पिता और मेरे टीचर जो हमेशा बोर्ड एग्जाम के लिए गाइड तथा सपोर्ट किए। मेरे माता पिता कोई काम करने नहीं देते थे, वह केवल कहते थे तुम केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने 5 से 6 घंटे रोज पढ़ाई किया। उन्होंने कहा कि मेरे पापा पानीपुरी का ठेला लगाते हैं, उसी से मेरे घर का रोजी रोटी चलता है और उसी से पढ़ाई का फीस पापा भरते हैं। आगे इंजीनियरिंग करने के बाद IAS बनने का सपना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के जिला टॉपर आकाश निषाद ने कहा। लगे मिठाई आओ भाई मेरा नाम आकाश निषाद है और मैंने 93.8% से गोरखपुर में टॉप किया है और मैं GPS इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ता हूँ। इसके अलावा मैं कोचिंग में भी पढ़ता था अदर टाइम में अभ्यास कोचिंग में और मैंने ये जो भी सफलता हासिल की है इसका पूरा पूरा श्रेय मेरे माता पिता को और मेरे जो भी टीचर्स जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया कि ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है या ऐसे इसमें परफॉर्म करना है, प्रेजेंटेशन कैसे कॉपी में दिखानी, ये सभी हमारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स का भी मुझे वो फुल सपोर्ट था। वो लोग मुझे उतना काम वर्क वगैरह नहीं कहते थे करने के लिए क्योंकि वो कहते थे कि बेटा तुम मतलब पढ़ो, काम वगैरह तो होता रहेगा। और फिर मैंने उनके बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कंसिस्टेंसी से लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ाई की लगभग और रेगुलरिटी की वजह से मेरा ये स्थान आया है। थैंक यू। और मेरे पापा जो है वो फुल्की का ठेला लगता है यानी कि पानीपुरी का ठेला लगता है और वो उसी से मेरा घर पूरा चलता है, उसी में मेरी पढ़ाई की फ़ीस वगैरह भी पापा भरते थे। और मेरा यही सपना है कि मैं आगे चल के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूँ, अगर उसमें सफलता मिलती है तो मैं एक IAS बनना चाहता हूँ और देश में जो है एजुकेशन सिस्टम को मैं सबसे बेहतर करने की कोशिश करूँगा जिस जिले में भी मैं मेरा होगा।